जल्दी बताओ, होमवर्क में कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। बताओ भी रौनक, कोई डाउट? ओके सर, डाउट किसमें किसमें? मॉल कॉन्सेप्ट में, मॉल कॉन्सेप्ट में जो भी डाउट है पूछते जाओ। सर बुकलेट का क्वेश्चन था, बुकलेट का क्वेश्चन था, एक मिनट बुकलेट लाने दो स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर, सर क्वेश्चन नंबर 34 बेसिक, क्वेश्चन नंबर 30 सब्जेक्टिव में, सर बेसिक सब्जेक्टिव में, हाँ सब्जेक्टिव में कौन सा? सर 34 अच्छा इसमें एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, जैसे व्हेन 100 ml ऑफ O2 O3 मिक्सचर, इस चीज को हम लोग ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन बोलते हैं। जैसे O3 का मतलब क्या होता है बताओ? ओजोन। तो O2 प्लस O3 अगर होगा तो इस पूरे चीज को हम लोग ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन बोला करते हैं, ये टर्म यूज करते हैं हम लोग ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, ठीक है। और इसमें ऐसा मेंशन किया है कि इस चीज को हम लोग टर्पेंटाइन ऑयल के थ्रू पास करते हैं। और एक्चुअल में जो क्वेश्चन है थोड़ा गैसीय स्टेट का सवाल होता है, गैसीय स्टेट में एक छोटा सा टॉपिक होता है इडियोमेट्री, तुम लोग स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं वहां पे इस चीज को हम लोग डिस्कस किया करते हैं, बट उसका क्वेश्चन कहीं कहीं मोल कंसेप्ट में रहता है। जैसे गैसीय स्टेट में ये इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं तुमको, अगर कहीं इनकेस रहे तो इन्फॉर्मेशन बस हम एक बार बता रहे हैं, कभी इनकेस अगर ऐसा सवाल दिख जाएगा तो इन्फॉर्मेशन को यूज कर लिया करना, ताकि सारे के सारे पार्ट क्वेश्चंस में आराम से सॉल्व कर पाए। करना कुछ नहीं होता बेसिकली, हम लोग केवल एक चीज देखना होता है कि कौन सा सब्सटेंस किस तरह के सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा, फिर सॉल्युबल हो जाएगा। जैसे मान लो सबसे पहले वाले पार्ट में देखो O3 दे रखा है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, O3 वाला पार्ट टर्पेंटाइन ऑयल में डिसॉल्व होता है, O2 वाला पार्ट अल्कलाइन पैराग्लोल में, NO वाला पार्ट ज्यादा काम का नहीं होता बट ठीक है, FeSO4 सॉल्यूशन मेनली काम का होता है हम लोगों का, ये CO2, SO2, Cl2, ये सारे के सारे अल्कली सॉल्यूशन है, मतलब KOH हो गया, NaOH हो गया, अल्कोहलिक KOH अगर वर्ड दे रखा होगा तो उसके इसमें Cl2, CO2, SO2 वाले पार्ट उसमें आराम से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो जैसे मान लो कि हाइड्रोकार्बन को बर्न करते तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो बहुत जगह पे ऐसा रिएक्शन यूज किया जाता है, ये हम लोग पूरा का पूरा जो टॉपिक है इसको ऐसा बोलते हैं। ऊपर यहाँ पे टॉपिक दे रखा होगा इडियोमेट्री, ये चीज इसका हेडिंग का नाम है। उसमें करना कुछ नहीं होता है, हम लोग एस्टिमेशन ऑफ कंपाउंड करते हैं, कोई भी एक पार्टिकुलर मिक्सचर के अंदर कौन कौन से कंपाउंड से कितना परसेंटेज है, हम लोग इस चीज को एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम लोग ये एस्टिमेशन करेंगे तो उस एस्टिमेशन के टाइम पे हम लोग किसी एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट को किसी पार्टिकुलर टाइप के सब्सटेंस के थ्रू जब पास करते हैं तो एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वहां से कुछ कुछ वेट बाहर निकलता चला जाता है। तो जैसे ये इन्फॉर्मेशन जो है उसमें याद रखना होता है कि O3 वाला पार्ट टर्पेंटाइन ऑयल में एब्जॉर्ब होगा, O2 वाला पार्ट अल्कलाइन पैराग्लोल में ये होगा एब्जॉर्ब होगा, अगर हम लोग Cl2 NO2 SO2 वाला पार्ट लेके चले तो ये सारे के सारे KOH सॉल्यूशन में, NaOH सॉल्यूशन में, बेसिकली अल्कली के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे, NH3 वाला पार्ट वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ऑल्दो NH3 अपने काम का नहीं है, उसको याद रखने की जरूरत नहीं, उसके बिना भी काम चल जाएगा। उसके अलावा जैसे करना क्या होता है, उस क्वेश्चन वाले पार्ट पे आते हैं वापस से। उस क्वेश्चन में ऐसा दे रखा, व्हेन 100 ml ऑफ O3 O2 सॉल्यूशन या O2 O3 सॉल्यूशन मतलब ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन वाज पास्ड थ्रू टर्पेंटाइन ऑयल, देयर वाज अ रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम बाय 20 ml। तो अभी जस्ट मेंशन किया कि टर्पेंटाइन ऑयल में कौन सा गैस डिसॉल्व होता है, कौन सा गैस सॉल्युबल होता है, ओजोन। तो यहां पे क्या मेंशन किया, देयर वाज अ रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो 100 ml था, 100 ml में O2 प्लस O3 है, हमको नहीं मालूम कौन सा कितना है, बट 100 ml में O2 एंड O3 वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, हम लोग ऐसा मेंशन करते हुए काम कर रहे हैं। और जैसे ही उस मिक्सचर को हम लोग वाटर के थ्रू पास किए तो वाटर के थ्रू सॉरी वाटर नहीं टर्पेंटाइन के थ्रू पास किए तो 20 ml वॉल्यूम गायब हो गया।
तो ओजोन वाला जो पार्ट है वो टर्पेंटाइन अल्मेट अब्सॉर्ब हो जाता है, तो उसी का वॉल्यूम गायब हुआ होगा, इसका मतलब 100 ml में 20 ml ओजोन था, तो बाकी बचा हुआ ऑक्सीजन होगा, इसका मतलब 80 ml ऑक्सीजन होगा, ऐसा हम लोग मेंशन कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या बोला है, इफ 100 ml ऑफ सच अ मिक्सचर इज हीटेड व्हाट विल बी द इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो हीटिंग करने पे डिसोसिएशन होता है और बेसिकली O3 O2 में कन्वर्ट हो जाना चाहिए क्योंकि O3 बहुत स्टेबल नेचर का नहीं होता, तो इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओजोन का लेयर खटता है क्योंकि हीटिंग हो रहा है, कॉन्स्टेंटली हीटिंग हो रहा है ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो O3 वाला पार्ट 20 ml था और अगर हम लोग उस 20 ml को कंसिडर करके चले, हम स्क्रीन पे लिख रहे हैं थोड़ा सा ये पार्ट, एक मिनट। हाँ, तो जैसे हम लोग O3 वाले पार्ट को अगर कंसीडर करके चले, तो O3 का अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ बैलेंसिंग करेंगे, तो उस बैलेंसिंग के टाइम पे हम लोग आराम से ऐसा कंसीडर कर सकते हैं O3 वाला पार्ट O2 में कन्वर्ट हो रहा है, और बैलेंसिंग वाले पार्ट में ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, एक मिनट, अगर हम लोग O3 वाले पार्ट को कंसीडर करके चलना शुरू करेंगे तो उस केस में 2 O3 और सामने वाले पार्ट में हम लोग को 3 O2 का फॉर्मेशन मिलेगा। इसका मतलब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में कैलकुलेशन कर पा रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स में जो O3 है उसका मतलब क्या है, तो हम लोग यहाँ पे लिख के चल रहे हैं 2 मोल 3 मोल O2 का फॉर्मेशन करा रहा है, एक चीज का ध्यान रखना। और ये वैसे हम लोग टर्म भी यूज करते हैं गे-लुसैक लॉ, ये हम चाहते थे तुम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही सीखो, कुछ है नहीं इसमें, एक्चुअल में मोल कंसेप्ट है, मोल मोल एनालिसिस। जो कैलकुलेशन हम लोग नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में करते हैं एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन हम लोग वॉल्यूम के टर्म में करेंगे, मतलब यहाँ पे हम लोग बोल रहे थे कि 2 मोल 3 मोल बना रहा, तो सिमिलर टाइप से 2 ml 3 ml बनाएगा, 2 लीटर 3 लीटर बनाएगा, 20 लीटर 30 लीटर बनाएगा, ये टर्म भी यूज कर सकते हैं हम लोग। मतलब जो कैलकुलेशन हम लोग नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में कर रहे हैं एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन हम लोग वॉल्यूम के टर्म में कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का वॉल्यूम O3 का निकल के आ गया 20 ml के बराबर, तो 2 के जगह 20 है, इसका मतलब 10 टाइम्स का फैक्टर है, तो 20 सॉरी 3 के जगह पे यहाँ पे 30 ml आराम से कंसिडर किया जा सकता है। तो उस क्वेश्चन में व्हाट विल बी द इंक्रीज इन वॉल्यूम बोला है, तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा 10 ml के बराबर, समझ आया। जैसे ये सवाल जैसे मोल कंसेप्ट का पार्ट नहीं होता है, गैसीय स्टेट में रियोमेट्री का पार्ट होता है, हम चाहते तो मोल कंसेप्ट पढ़ा सकते हैं लेकिन ऑनलाइन क्लास की वजह से इस चीज को हम अवॉइड करके चल रहे हैं, ऑलरेडी बहुत बोरिंग टाइप का चीज है और ऊपर से काफी ज्यादा डिफिकल्ट फील होता है, तो इसलिए हम चाह रहे थे कि थोड़ा वो टॉपिक शॉर्ट ही रखे हम मोल कंसेप्ट, और टाइम के साथ धीरे धीरे गैसीय स्टेट में कुछ चीज सीखेंगे, एबनॉर्मल मोलर मास वाला पार्ट केमिकल इक्विलिब्रियम में सीखेंगे, टाइम के साथ उस चीज को सीख लेंगे हम लोग, बट मोल कंसेप्ट को बहुत ज्यादा इलॉन्गेट नहीं करना चाहते, इसी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे छोड़ रखा था, ठीक है। और कोई डाउट रौनक, तुमसे तुम्हारा कुछ डाउट था पूछो। यस सर, एक्सरसाइज 5 का सेकंड पार्ट में क्वेश्चन 3, एक्सरसाइज 5 का सेकंड पार्ट में क्वेश्चन 3, एक मिनट, बाकी लोग भी डाउट पूछो, बाकी लोग भी क्वेश्चन सॉल्व करो और प्रीवियस ईयर तो एटलीस्ट सॉल्व कर लो, तुमको पता तो चलना चाहिए ना कि हम लोग जो पढ़ाए उसे तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम पढ़ा रहे हैं तुमको तुम्हारा प्रीवियस ईयर भी नहीं सॉल्व होगा, पढ़ाने का फायदा क्या है। एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट का क्वेश्चन 3, सेकंड पार्ट मतलब एडवांस लेवल का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, देखो भाई क्वेश्चन, सब लोग सवाल में ऐसा मेंशन किया है 1 ग्राम ऑफ चारकोल एब्जॉर्ब्स सॉरी एड्सॉर्ब्स 10 सॉरी 100 ml ऑफ 0.5 मोलर CH3COH to form monolayer and thereby molarity of CH3COH reduces to 0.49, calculate the surface area of charcoal absorbed by each molecule of acetic acid. ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ चारकोल दे रखा, एक चीज बताओ ये वर्ड सुना है कभी भी, ये एडसॉर्प्शन जो वर्ड है ये वर्ड सुना है कभी भी? यस सर। क्या होता है एडसॉर्प्शन? सरफेस में जब अटैच होता है, जैसे हम लोग दो वर्ड यूज करते हैं, एक हम लोग वर्ड यूज करते हैं एब्जॉर्प्शन और दूसरा वर्ड यूज करते हैं एडसॉर्प्शन, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे उसको ऐसा समझ लो कि मान लो अगर हम लोग ऐसा करते, मान लो घर में सामान रखे हुए, ठीक है, बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, देखा होगा घर में तुम लोगों ने, अगर बहुत दिनों से सामान घर पे पड़ा हुआ है तो उसमें धूल का लेयर जम जाता है, पर जब उसको हम लोग हटाने की कोशिश करते हैं तो उसको सीधा ऐसा करेंगे तो लेयर नहीं हटेगा, मतलब मान लो कि अगर हम लोग पूरा का पूरा ऐसे स्क्रीन को ऐसा कर दे, जब पूरा का पूरा सरफेस को वर्टिकल कर दे, तो भी जो लेयर पे पार्टिकल्स है वो हटेंगे नहीं। क्यों नहीं हटेंगे? क्योंकि पार्टिकल्स उससे अटैच हो रखे होते हैं,
इस तरह के इंटरेक्शन को, जब सरफेस पे पार्टिकल अटैच हो जाते हैं, एक है जैसे मान लो कि हम लोग सरफेस पे पार्टिकल रखे, उसको जैसे ही वर्टिकल किया तो सारा पार्टिकल नीचे गिर गया, तो कुछ नहीं था, बस पार्टिकल पड़ा हुआ था रेस्ट में। लेकिन अगर हम लोग सरफेस को वर्टिकल किए तभी भी पार्टिकल्स नीचे नहीं गिर रहे, क्योंकि पार्टिकल्स आपस में अटैच हो रखे हैं, इस चीज को हम लोग एडजॉर्प्शन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब अंदर तक पानी सोख लेना। जैसे मान लो कि अगर हम लोग पेपर लेके चलते हैं, बहुत मोटा भी पेपर या फोम है अगर, तो जैसे ही बारिश होगा फोम के अंदर पानी सारा का सारा चला जाएगा, वो हम लोग का एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है। तो एब्जॉर्प्शन में हम लोग केवल सरफेस एरिया से मतलब रखते हैं कि एक सरफेस है बेसिकली, उस सरफेस के ऊपर हम लोग के पार्टिकल्स आराम से एब्जॉर्ब होंगे। क्या सरफेस एरिया है इसके ऊपर सारे फैक्टर्स डिपेंड कर रहे होंगे। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल में ऐसा मेंशन किया है, 1 ग्राम ऑफ चारकोल एड्सॉर्ब्स 100 ml ऑफ 0.5 मोलर CH3COH टू फॉर्म अ मोनो लेयर एंड देयर बाय मोलैरिटी ऑफ CH3COH रिड्यूसेस टू 0.49। तो पूछा है कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ चारकोल एड्सॉर्ब्ड बाय ईच मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड। चलो ठीक है रौनक, हम इसका केवल हिंट दे रहे हैं तुमको, ठीक है, हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, हम तुमको केवल हिंट दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि ऐसा मेंशन किया कि हम लोग एसिटिक एसिड को एक पार्टिकुलर सरफेस पे एड्सॉर्ब करा रहे हैं, और वो जो सरफेस वाला पार्ट वो चारकोल का है, और मान के चलते हैं कि जैसे हम लोगों के पास शुरू में 100 मोल्स थे एक सॉल्यूशन के अंदर, मान के चलते हैं शुरू में 100 मोल्स थे, और जैसे ही हम लोग इस सॉल्यूशन को या फिर सॉल्यूशन के अंदर चारकोल वाले पार्ट को डाले, मतलब एक कंटेनर ले लिया, उसमें हम लोगों के पास एसिटिक एसिड एग्जिस्ट कर रहा है, उसके अंदर चारकोल को डाल दिया, तो चारकोल को डालने से जो CH3COH के पार्टिकल्स थे वो चारकोल के सरफेस पे जाके अटैच हो गए। अब अगर पार्टिकल सरफेस पे अटैच हो गए तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पार्टिकल्स गायब हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में मान के चलते हैं कि मेरे पास 80 मोल्स अवेलेबल है, तो बचे कितना एड्सॉर्ब हुआ होगा सरफेस पे, ये बताओ। 20 मोल, ठीक है। अब अगर मान लो ऐसा मेंशन किया कि इसका जो सरफेस एरिया है हमको नहीं मालूम कितना है, बट मान के चलते हैं सरफेस एरिया वाला पार्ट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, मान के चलते हैं, तो टोटल कितना एड्सॉर्ब हुआ था, नंबर ऑफ मोल्स 20 के बराबर, तो 20 मोल्स वाले पार्ट हम लोगों के 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे एड्सॉर्ब हो रहे होंगे, तो एक पार्टिकल कितने पे एड्सॉर्ब हो रहा होगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पे। और अगर एक पार्टिकल 5 सेंटीमीटर पे, तो एक मोल है यहाँ पे, एक मोल का मतलब कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे, एवोगाड्रो नंबर, तो एनए पार्टिकल्स 5 सेंटीमीटर स्क्वायर में एड्सॉर्ब हो रहा है, तो इसका मतलब एक पार्टिकल कितने पे एड्सॉर्ब हो रहा होगा, तो 5 डिवाइडेड बाय एनए, ऐसा कर सकते हैं। यस सर। तो ये क्वेश्चन अब ट्राई करके देख पाएंगे, सवाल में बस नंबर ऑफ मोल्स, जैसे यहाँ बोले ना 100 ml 0.5 मोलर, तो ऐसे नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा CH3COH का, ठीक है। फिर बोला है जो नंबर ऑफ देयर बाय मोलैरिटी रिड्यूसेस टू 0.49, मतलब शुरू में नंबर ऑफ मोल्स क्या था वो मालूम पड़ जाएगा, एक सेकंड को हाईलाइट कर ले रहे हैं, शुरू में नंबर ऑफ मोल्स क्या था ये मालूम पड़ जाएगा, बाद में नंबर ऑफ मोल्स क्या है ये भी मालूम पड़ जाएगा, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि कितने पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं। अब उसमें 1 ग्राम ऑफ पार्टिकल है जो कि एब्जॉर्ब हो रहा है, और इसमें सरफेस एरिया ऑफ चारकोल को हम लोग, एक्चुअल में सरफेस एरिया नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, सरफेस डेंसिटी होना चाहिए था, ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पे, सरफेस डेंसिटी, क्योंकि पर ग्राम दे रखा है यहाँ पे, मतलब कितना सरफेस एरिया पर ग्राम है, तो उस केस में हम लोग 1 ग्राम का सरफेस एरिया 3.01 × 10⁻² मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो 1 ग्राम में इतना सरफेस एरिया एग्जिस्ट कर रहा, और ये जो सरफेस एरिया एग्जिस्ट कर रहा है वो कितने नंबर ऑफ मोल्स को एड्सॉर्ब किया, यहाँ हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट किया होगा, उसको हम लोग सरफेस एरिया पर मॉलिक्यूल के लिए आराम से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। एक बार ट्राई करके देखना, अगर नहीं बनेगा तो हम वापस से इसका सॉल्यूशन बना देंगे। और कोई डाउट? यस सर, जल्दी बोलो, और कोई डाउट? क्वेश्चन 4 में आंसर में ए दिया हुआ है, सी होना चाहिए। क्वेश्चन 4 में आंसर में ए दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 4 जस्ट इसके नीचे। सर, व्हिच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, तो आंसर सी भी होना चाहिए। सी क्यों होना चाहिए? उन्हें हाँ सर, सॉरी मैं ए यू। चलो ठीक है, और कोई डाउट किसी को? बाकी किसी को कोई डाउट नहीं है, बस रवि को डाउट है और ये रौनक को डाउट है। पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर
सर वीक में सर एक बार ऐसा डाउट सेशन रखिएगा जिसमें सिर्फ डाउट का ही बात हो। हम लोग वही चीज प्लानिंग कर रहे हैं, कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट लोग बहुत बोर हो चुके हैं, किस तरीके से इसको थोड़ा इंटरेक्टिव बनाया जाए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चलाना तो है, बहुत लंबे टाइम तक चलाना भी, तो कितना ज्यादा इंटरेक्शन का लेवल रखे। तो एक दिन डाउट सेशन हम रखने का सोचते हैं, लेकिन प्रॉब्लम पता है कि उस दिन क्या है, अगर सब लोग होमवर्क बना के आएंगे तो बहुत अच्छा डिस्कशन चलेगा, बहुत ही अच्छा डिस्कशन चलेगा। कल एक बैच में 2 घंटे डिस्कशन चला है केवल, मतलब सारा का सारा बुकलेट का डिस्कशन हो गया कल, 2 घंटे केवल डिस्कशन चला, कोई क्लास नहीं हुआ। हमको मजा आता है डिस्कशन करने में, लेकिन जब सब लोग होमवर्क बनाएंगे तो सबको मजा आएगा, अदरवाइज होगा कि 4 लोग बना रखे हो, 4 लोग डाउट पूछेंगे, बाकी लोग नहीं पूछेंगे। अगर मैथ्स में भी एक बार हम लोग ऐसे ही किए थे लॉग का, उसमें भी अच्छा लगा था, और फिजिक्स का भी है। तो लेकिन उसमें जैसे पॉइंट ये है, अगर सब लोग होमवर्क बनाएंगे तब, जैसे उसमें एक ऑप्शन है कि चलो 50 तक का क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन उतने क्वेश्चन सब लोग सॉल्व कर ले तो बहुत मजा आता है उसमें। तो उसमें बैकलॉग मत रखा करो, इसमें बहुत मजा, मतलब डिस्कशन में तुमको मजा आएगा, 10 नए तरीके सीखने को मिलेगा, अच्छा हम तो ऐसा सोच रहे थे लेकिन इसमें ये चीज नया निकल के आ गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग डिस्कशन क्लास आराम से रखेंगे। हाँ बोलो कंसंट्रेशन ऑफ CaCl2 इज 5 मोलर एंड दैट ऑफ MgCl इज 5 मोलर, the specific gravity of solution is 1.05, calculate the concentration of Cl- minus in the solution in terms of molarity. तो मेरे हिसाब से थोड़ा बनने लायक सवाल है, इसमें सवाल में ऐसा mention किया कि ठीक है, सवाल में ऐसा mention कर रखा है, जैसे इसको हम अलग से लिख दे रहे हैं, CaCl2 का 5 molar है, MgCl2 का 5 molar solution है, और specific gravity है, specific gravity का मतलब तुम लोगों को बताया था, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, तो बेसिकली वो डेंसिटी का ही वैल्यू निकल के आता है, ठीक है। और सवाल में Cl- का कंसंट्रेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी, तो एक काम करते हैं हम लोग, एक मिनट, मान लो ऐसा दे रखा, अरे मान लो सवाल में ऐसा मेंशन कर रखा है हम लोगों के पास कि एक तो CaCl2 का सॉल्यूशन है, CaCl2 वाले पार्ट में हम लोगों के पास जो कंसंट्रेशन है वो 5 मोलर दे रखा, और दूसरा BaCl2 वाला पार्ट था, इस केस में वैल्यू 5 मोलर के बराबर दे रखा है, और सवाल में उसके आगे मेंशन किया है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.05। तो अच्छा, इसमें एक चीज का ध्यान शायद तुम नहीं रखा होगा कैलकुलेशन करते वक्त, जैसे BaCl2 का कंसंट्रेशन अगर 5 मोलर दिया और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉल्यूशन अगर 1.05 के बराबर दे रखा, तो इसमें ये दोनों के दोनों सॉल्यूट पार्टिकल है, पॉइंट ये है, ये दोनों के दोनों सॉल्यूट पार्टिकल है, जैसे मान लो एजम्पशन सेम लेके चल रहे हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वाला पार्ट कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर के बराबर है मान के चलते हैं, तो यहाँ से CaCl2 का नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएगा, पहला चीज। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोगों के पास जैसे सॉल्यूशन का हम लोगों के पास स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा, तो जब हम लोग वॉल्यूम वाले पार्ट से मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूशन में इस पर दो दो सॉल्यूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक सॉल्यूट नहीं, दो दो सॉल्यूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो दोनों के पार्ट को हम लोग यूज करके चलना पड़ेगा, ऐसा कुछ किया था क्या? ट्राई किए थे, गलत हो गया, एक सेकेंड, क्या गलती इसमें हो सकता है भाई? द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.05, 5 मोलर सॉल्यूशन दे रखा, तो वहां से तो आराम से नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएगा कंसंट्रेशन वाले पार्ट में। MgCl2 करके अगर चलेंगे, रवि थोड़ा माइक्रोफोन की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा देखो उसको साउंड ऑफ करो, ऐसा कोई गलती का चीज तो हमको नहीं दिखाई दे रहा बेसिकली। CaCl2 का कंसंट्रेशन 5 मोलर के बराबर है, चलो ठीक है देख लेते हैं। अगर मान लो हम लोगों के पास वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाले तो 1 लीटर के हिसाब से 1050 ग्राम के बराबर निकल के आएगा, और इस पूरे कैलकुलेशन वाले पार्ट में CaCl2 का नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2 इज इक्वल टू 5 के बराबर, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaCl2 वाला पार्ट हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उससे हम लोगों को Cl2 का कंसंट्रेशन भी निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो 1 लीटर मान के चल रहे हैं, वहीं से कैलकुलेशन चलेगा।
BACL2 वाले पार्ट के बारे में मेंशन तो कुछ नहीं किया है, तो एक काम करते हैं हम लोग कि मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BACL2 वाला पार्ट x के बराबर है, अजम्पशन लेके चल लेते हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड का मास कितना हो जाएगा रवि? 208 ग्राम के बराबर, ठीक है। तो जैसे एक चीज देखो, यहाँ पे मान लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स x के बराबर है, हमको नहीं मालूम, मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स x के बराबर है, तो एक चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2 5 के बराबर है, तो यहाँ से अगर हम लोग वेट वाले पार्ट की बात करें, तो वेट वाला पार्ट 5 × 111 के बराबर होगा, और नीचे वाले पार्ट में x × 208 ग्राम के बराबर होगा, ठीक है। अब उसके बाद वेट ऑफ सॉल्यूशन मालूम है 1050 के बराबर है, और हम लोगों को मोलैलिटी मालूम है 5 ग्राम के बराबर है, तो जो मोलैलिटी 5 है, मोलैलिटी मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स हम लोग x के बराबर लेके चल रहे थे, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो सॉल्यूशन का मास मालूम है, सॉल्यूट का मास यहां से कंसीडर कर सकते हैं हम लोग। तो 111 × 5 मतलब 555, तो 1050 माइनस 555 माइनस 208x, ये हम लोग का वैल्यू निकल के आना चाहिए 5 के बराबर। तो यहां से एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन निकल के आएगा, यहां से x वाला पार्ट निकल के आ जाएगा। तो बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स क्या, एक बार और बना के देखेगा, चलो ठीक है, ओके। और किसी को कोई डाउट? एक काम करते हैं, बाकी कोई भी होमवर्क तो बनाया नहीं है, बाकी लोग वही होमवर्क बनाओ, एक दिन हम लोग डाउट डिस्कशन का सेशन रख देंगे, उस दिन केवल जिसको डाउट होगा वही उस चीज को ज्वाइन कर लेगा, ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि आधा घंटा हो गया, बाकी लोगों में से कोई जवाब देने वाला नहीं है, हमको ऐसा लग रहा है। तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं अपना, फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट जो पढ़ाया था उसी चीज से एसोसिएटेड क्लास को शुरू कर लेते हैं। नोट्स कॉपी में तुम्हारे पास ये होगा कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये सारे के सारे नाम हम लोगों ने मेंशन कर दिए थे, उन फंक्शनल ग्रुप्स का नाम तुमको याद रखना है, उसको पहचानने आना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, उन क्वेश्चंस में एक दो एग्जांपल हम सॉल्व करके बताएंगे, और बाकी एग्जांपल्स को तुमको खुद से ट्राई करते चले जाना है। तो हम लोग एक सेकेंड रुक जाओ, ये हम लोग के इंट्रोडक्शन का सबसे लास्ट पार्ट होगा, इसके बाद फिर हम लोग का नोमेनक्लेचर वाला पार्ट आराम से शुरू हो जाएगा। चलो भाई, फंक्शनल ग्रुप क्वेश्चन नोट करो स्क्रीन पे। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप्स, और फंक्शनल ग्रुप को हम लोग FG से ही डिनोट किया करेंगे, क्योंकि बहुत बार यूज करने हैं इस टर्म को। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप्स इन द फॉलोइंग, और जहां कहीं भी डाउट होगा बेहिचक पूछ लेना, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आराम से उस चीज को पूछ के क्लियर कर लेना है। पहला क्वेश्चन हम तुमको सॉल्व करके दिखाएंगे, दूसरा क्वेश्चन तुमको खुद से ट्राई करना है, इस चीज का ध्यान रखना। चलो, बहुत भारी क्वेश्चन है, हम इसको खुद ही सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहला सवाल है तो चलो भाई ध्यान दो, इसको थोड़ा हम जूम कर रहे हैं और देखते रहना। जैसे अगर मान लो कि हम इस क्वेश्चन वाले पार्ट को डिस्कस करें और इसमें फंक्शनल ग्रुप पहचानना है, तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट में नॉर्मली कार्बन के अलावा और भी कोई ग्रुप्स होने चाहिए, बिल्कुल फिक्स्ड है कि कार्बन के अलावा और भी ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो जैसे मान लो अगर हमको ग्रुप्स को पहचानना शुरू करना है, तो अभी के लिए जो भी ग्रुप्स तुम लोगों को बताए,
उन ग्रुप्स के नाम को थोड़ा ध्यान रखना और वो कॉपी में लिस्ट देखा करना. अभी डायरेक्टली याद नहीं रख सकते, हम याद रखने बोले भी नहीं तुम लोगों को, वो लिस्ट को बिल्कुल भूल के भी याद मत रखना, क्योंकि ये चीज अभी से लेके 12th क्लास तक रिपीट होगा. बस पहचानने आना चाहिए कि अच्छा ये ग्रुप कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, वो लिस्ट में हम जज कर पाए देख करके. सिंपल सी बात है, हम तुमको केवल ग्रुप्स को हाईलाइट करेंगे कि कहाँ कहाँ फंक्शनल ग्रुप है, और तुमको पहचानना है कि उसका नाम क्या है, ये हम बस मेंशन करते चले जा रहे हैं. जैसे एक तो ये चीज अब देखना इसमें क्या क्या है. जैसे एक चीज देखो यहाँ पे OH वाला पार्ट, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है. हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम केवल OH की बात कर रहे हैं. OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? अल्कोहल. ठीक है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता तो है, लेकिन जब हम लोग इस OH ग्रुप को सी डबल बॉन्ड O से अटैच करते हैं तो ये OH सिंगल यूनिट नहीं रह जाता. इनफैक्ट ये पूरा का पूरा पार्ट एक सिंगल यूनिट के जैसा बिहेव करना शुरू कर देता है. तो अगर सिंपल OH अल्कोहल होता, लेकिन अगर OH सी डबल बॉन्ड O से अटैच्ड है, तब उस केस वहां पे हम लोग टर्म अल्कोहल यूज नहीं कर पाएंगे, फिर हम लोग वहां पे नाम चेंज करके काम करना पड़ेगा. अब ये बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड. कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट. चलो ठीक है, तो सबसे पहला वाला पार्ट तो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड निकल के आ गया, ऐसा हम लोग मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं. ठीक है, अब मान लो जैसे हम लोग का अगर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है, एक सेकंड रुक जाओ, हम बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं ना. मान लो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है, तो पहला वाला पार्ट तो हम लोगों ने मेंशन कर दिया यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है. सीधा कॉपी में लिस्ट देखना, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी में लिस्ट देखो, अभी देखना भी पड़ेगा, याद रखने हम बोल भी नहीं रहे तुमको, याद मत रखो, दो साल में ये चीज को अपने आप सीख लेंगे, बस पहचानना आना चाहिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है. ठीक है, मान लो हम लोग इसकी बात करते हैं कि NH2, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? Amine है, लेकिन ये NH2 फिर से C double bond O से अटैच्ड है, तो C double bond O से अटैच्ड होने का मतलब अब ये amine नहीं रह जाएगा, इसका नाम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. ये पूरा का पूरा यूनिट एक सिंगल फंक्शनल ग्रुप के जैसा है. कौन सा फंक्शनल ग्रुप? अमाइड. उसके नीचे देखो NH2 अगर C double bond O से अटैच्ड है, तब वहां पे हम लोग amine वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, वहां पे हम लोग टर्म amide यूज करना शुरू कर देते हैं. ये सबसे पहला कंसिडरेशन जो है. मान लो यहाँ पे देखते हैं OH वाला पार्ट, तो OH वाला पार्ट कौन सा फंक्शनल ग्रुप था? अल्कोहल, है ना. लेकिन ये अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच्ड है, उस कार्बन में C डबल बॉन्ड O नहीं है, उसके जस्ट आगे में कहीं C डबल बॉन्ड O है. तो अगर मान लो कि हम लोग के पास एक ग्रुप दे रखा और उस OH वाले ग्रुप से अटैच्ड, मतलब OH वाला पार्ट C डबल बॉन्ड O से अटैच्ड नहीं है, तब उसको हम लोग अल्कोहल ही बोलेंगे, तब उसको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बोलेंगे. तो इसका मतलब अब यहाँ पे OH वाला पार्ट एक सिंगल अलग फंक्शनल ग्रुप है. इस चीज को हम लोग आराम से अल्कोहल बोल के कंसिडर कर सकते हैं. पहला चीज मान लो इसकी बात करते हैं, C डबल बॉन्ड O, इसके आजू बाजू कोई भी ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे केवल C डबल बॉन्ड O है, ऐसा कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? कीटोन. ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन. तो यहाँ वाले पार्ट में कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो गया. नीचे की बात करते हैं, यहाँ वाले पार्ट में एक H है, बट H के अलावा और कुछ नहीं दे रखा, तो इस केस में अगर ढंग से देखो तो यहाँ पे C और C के साथ डबल बॉन्ड O, उसके साथ एक H वाला पार्ट दे रखा, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? उसके बाद बचे हुए पार्ट में जहाँ जहाँ कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम उसको चेक किया, तो जैसे यहाँ पे क्लोरीन वाला पार्ट है, तो क्लोरीन वाला पार्ट इन जनरल हम लोग हेलोजन बोलते हैं या फिर हलाइड बोलते हैं, लेकिन अगर वो C डबल बॉन्ड O से अटैच हो तो नाम चेंज होता है, बट यहाँ पे C डबल बॉन्ड O से अटैच नहीं है, तो सिंपली इसको हैलाइड बोल सकते हैं. और उसके बाद ये पूरा का पूरा ग्रुप है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? नाइट्रो. नहीं है, नाइट्रो में N होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए, जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ और फंक्शनल ग्रुप है. यहाँ पे तब हम लोग सल्फोनिक एसिड आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं. समझ आया ये पार्ट? तो पहले ये देखना कि कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम है क्या. अगर कोई दूसरा एटम एग्जिस्ट कर रहा है, तो दूसरे एटम से रिलेटेड आजू बाजू में कोई C डबल बॉन्ड O तो नहीं है, तो अगर नहीं होगा तो हम लोग वहां से फंक्शनल ग्रुप को आराम से लिस्ट मैच करा के देखना, कोई दिक्कत नहीं. बस उसको देख के बस फंक्शनल ग्रुप पहचानना सीखो, उसके बाद हम लोग आगे जैसे जैसे मूव करेंगे तुम्हारे लिए चीज बहुत आसान होता चला जाएगा. ठीक है, अगर कोई डाउट है किसी को तो आराम से पूछ सकते हैं, तो अगर डाउट नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. सर, एक ही हाइड्रोकार्बन में सारा फंक्शनल ग्रुप एक साथ हो सकता है? एक ही हाइड्रोकार्बन में सारा फंक्शनल ग्रुप एक साथ हो सकता है, लेकिन तुमने जो वर्ड यूज किया हाइड्रोकार्बन, वही पे ये चीज गलत हो गया. तुम्हारा मतलब कुछ और था, हम उसको अलग सेंस से बता रहे हैं. हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें केवल कार्बन हाइड्रोजन हो,
लेकिन कंपाउंड में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, मतलब अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो उसमें मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप पॉसिबल है। इनफैक्ट ये फंक्शनल ग्रुप बना पाना भी पॉसिबल है, हम लोग सीखेंगे कि इस तरह के फंक्शनल ग्रुप कैसे बना सकते हैं हम लोग आराम से, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आराम से मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। बट हाइड्रोकार्बन में नहीं, हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा, हाइड्रोकार्बन में नहीं होगा। हाइड्रोकार्बन मतलब तुमने एक क्लासिफिकेशन मेंशन कर दिया कि हाइड्रोकार्बन हम लोग केवल कार्बन हाइड्रोजन से एसोसिएट कर रहे हैं, तो उसमें तो दूसरा एटम भी नहीं डाल सकते, फंक्शनल ग्रुप क्यों डालेंगे, ठीक है। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 2 वाला पार्ट एक बार खुद से ट्राई करके देखो। ट्राई करके देखो, मान लो कि डी सरफेस का चार्ज जो है हम एक्स रख दिए हैं, हेलो सर। हाँ बोलो सर, वो फंक्शनल ग्रुप का लिस्ट बता दीजिए ना। फंक्शनल ग्रुप का लिस्ट अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम अपने काम करो, तुम्हारा जो टेलीग्राम वाला चैनल होगा ना, हाँ सर, उस ग्रुप में एक पीडीएफ होगा तुम्हारे पास, दो तीन दिन पहले का, जून 28 जून का देखो, उसमें लेक्चर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, उसको डाउनलोड कर लो, उसमें लिस्ट होगा तुम्हारे पास, उससे देख सकते हो, उससे इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है सर। तो देखो टेलीग्राम में वो लिस्ट है क्या तुम्हारे पास, दिख रहा है तुमको टेलीग्राम में 28 जून को लेक्चर डाला हुआ है, लेक्चर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब चूंकि ग्राउंडेड है तो किसके बराबर होना चाहिए सर, लेफ्ट साइड का लास्ट वाला नहीं समझना, कौन सा लेफ्ट साइड और वाला, ये पार्ट सबसे लेफ्ट साइड, यस सर। जैसे ऐसा जरूरी नहीं है कि CHO हमेशा ऐसा दे रखा होगा, CHO राइट साइड में लिखे तो ऐसा भी लिख सकते हैं और लेफ्ट साइड के साइड में लिखना तो CHO ये भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। होता है ना कि मान लो कि हम लोग सीधा खड़े और उल्टा खड़े हो जाए, तो आदमी थोड़े ना चेंज हो रहा है, आदमी बस सीधा की जगह उल्टा खड़ा हो गया। हाँ ये है कि अगर ढंग से देखो तो यहाँ पे नाइट्रोजन वाले पार्ट पे कार्बन है, उसके अलावा क्या है, एक हाइड्रोजन वाला पार्ट और नाइट्रोजन वाले पार्ट से C डबल बॉन्ड O H अटैच्ड है। तो नॉर्मली नाइट्रोजन वाले पार्ट के ऊपर क्या क्या ग्रुप हो सकते हैं या फिर उससे अटैच्ड कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, और नाइट्रोजन वाला पार्ट C डबल बॉन्ड O से अटैच्ड है, तो उसको हम लोग क्या बोला करेंगे। इसीलिए तो ये चीज सिखा रहे तुम लोग, यही सब चीजें लोगों को दिक्कत क्रिएट करते हैं 12th क्लास में, उनको पता ही नहीं चलता कि ये क्या दे रखा है, लेकिन ये चीज मालूम होना चाहिए, 11th क्लास में मालूम होना चाहिए। रितम्रा तुम एक चीज बताओ, तुम्हारा यूजर आईडी पासवर्ड तुमको नहीं मिला है क्या मेगा एग्जाम, ये हम लोग ऑनलाइन टेस्टिंग पोर्टल का? रितम्रा ये तुमने शायद अभी वापस से लॉगिन किया है, मतलब सेल्फ साइन अप किया है, तुम्हारा यूजर आईडी पासवर्ड पहले से बना हुआ है, तुम्हारे किसी दूसरे नंबर से बना होगा, आज एक बार तुम्हारे क्लास के बाद तुमसे हम बात कर लेंगे उसके रिगार्डिंग, मतलब तुम्हारा जो यूजर आईडी और पासवर्ड पहले से जो बना हुआ है उसका क्या लॉगिन आईडी पासवर्ड है, तुम लोगों को मैसेज कर देंगे, ठीक है, तुमसे एक बार कांटेक्ट कर लेंगे हम लोग। अब आंसर आ गया सबका, डिस्कशन शुरू करें। यस सर, चलो ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग नीचे वाले पार्ट की बात करते हैं, NH2। NH2 नॉर्मली अमाइन होता है, बट अगर उससे C डबल बॉन्ड O अटैच्ड होता तो अमाइन नहीं बोलते, उसको अमाइड बोलते हैं, बट यहाँ से कोई C डबल बॉन्ड अटैच्ड नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग के पास अमाइन वाला पार्ट होगा पहला कंसिडरेशन। उसके बाद अगर कंसिडर करें मान लो लेफ्ट वाले साइड को, तो यहाँ पे एक चीज दिख रहा कि ये पार्ट तो एल्डिहाइड होता है, ये होना चाहिए नॉर्मली, लेकिन अगर ढंग से देखो तो नाइट्रोजन से C डबल बॉन्ड O अटैच्ड है, इसका मतलब अगर नाइट्रोजन से C डबल बॉन्ड O अटैच्ड है तो ये पार्ट एल्डिहाइड नहीं रह जाएगा, ये पार्ट अमाइन नहीं रह जाएगा, ये पूरा का पूरा एक सिंगल यूनिट है,
कि पूरा का पूरा एक सिंगल यूनिट अमाइड हम लोग आराम से मेंशन करके काम कर सकते हैं. तो यहाँ पे अमाइड बोलेंगे हम लोग, अमाइन वर्ड यूज नहीं किया करेंगे. ये पूरा का पूरा देख के लग रहा है कि दो अलग अलग यूनिट है, लेकिन एक्चुअल में दो अलग यूनिट्स नहीं है, दोनों सेम यूनिट ही एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अमाइड. उसके बाद मान लो अगर हम लोग, हाँ बोलो सर, अमाइड तो दूसरा हाइड्रोजन भी N से जॉइन रहना चाहिए ना? नहीं, ऐसा जरूरी तो नहीं है. जैसे नाइट्रोजन के ऊपर दो हाइड्रोजन हो, या नाइट्रोजन के ऊपर एक कार्बन चेन हो एक हाइड्रोजन हो, या नाइट्रोजन के ऊपर दोनों के दोनों कार्बन चेन हो, तो तीनों अमाइन होता है. और इसके साथ अगर सी डबल बॉन्ड हो गया तो ये भी अमाइड है. नीचे वाले पार्ट में सी डबल बॉन्ड हो ये भी अमाइड है, उसके नीचे वाले में सी डबल बॉन्ड हो ये भी अमाइड होगा. तीनों के तीनों अमाइड बोलते हुए काम करेंगे, है ना. मान लो ऊपर वाले पार्ट की बात करते हैं CONH2, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए? अमाइड. CONH2 अमाइड, ठीक है. स्ट्रक्चर ऐसा दे रखा है, सी डबल बॉन्ड ओ और उसके साथ क्या है तो NH2 वाला पार्ट, तो इस चीज को हम लोग अमाइड बोल के काम किया करेंगे. उसके बाद मान लो यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ वाले पार्ट में OH सिंगल अटैच्ड है कार्बन चेन के साथ, एक नॉर्मल कार्बन चेन के साथ बस सिंगली अटैच्ड है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग टर्म अल्कोहल यूज कर लेंगे. और उसके बाद हमको दिख रहा है ये पूरा पार्ट, एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ कार्बन चेन मतलब OR ग्रुप, ठीक है. इस चीज को नॉर्मली हम लोग इथर बोला करते हैं, लेकिन अगर यही OR ग्रुप सी डबल बॉन्ड O से अटैच हो गया तो इसको इथर नहीं बोलेंगे, इस चीज को हम लोग ईस्टर बोलेंगे. तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड O के साथ ऑक्सीजन अटैच है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग के पास ईस्टर फंक्शनल ग्रुप होगा, ये हम लोग आराम से बोल सकते हैं. अगर किसी को किसी भी पार्ट में डाउट है तो पूछ लो, और अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं. कोई डाउट नहीं है किसी को? आई रोहित, कोई डाउट है? तो हाँ बोलो रवि. यहाँ पे जोर से बोल थोड़ा एक बार. जो लेटर से जो COHC जो भी कहते हैं, उसको C जो जो आगे पीछे करते हैं, उसको यहाँ पर साइनाइड का. यह तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर. जो यहाँ पे सर वो CH का जो लेटर सर आगे पीछे हो गया CHO का, aldehyde का, सर अगर साइनाइड का पार्ट आता है सर वहाँ पे कैसे डिटरमाइन करते हैं? साइनाइड का अगर पार्ट होगा तो ऐसा होगा C ट्रिपल बॉन्ड N ऐसा. तो यहाँ पे जैसे CN ऐसा लेफ्ट साइड में लिखा, मतलब लेफ्ट से राइट लिखा, तो उसकी जगह CN लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है. ये देखना जरूरी है आइसोसाइनाइड. हाँ, आइसोसाइनाइड और साइनाइड में ये डिफरेंस है. जैसे अगर हम लोग का साइनाइड होगा तो कार्बन के साथ बॉन्ड होना चाहिए, मतलब अगर CN लिखेंगे तो हम लोग कार्बन के साथ बॉन्ड रखेंगे. जैसे मान लो अगर कार्बन चेन राइट साइड में एग्जिस्ट कर, तो अपने पास ऑप्शन क्या है? कार्बन चेन अगर राइट साइड में, तो ये जो CN है उसको लेफ्ट साइड के ओरिएंटेशन में डालना पड़ेगा, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है सर. थोड़ा स्क्रीन ऊपर करिए ना. बोलो. थोड़ा स्क्रीन ऊपर करिए ना. ये क्वेश्चन. हाँ सर, नोट नहीं किए थे. सर हम लोग साइनाइड और आइसोसाइनाइड को एक क्यों नहीं मानते हैं? फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन क्या बताया था? हाँ, कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है सर इसमें? तो नहीं, फिर से सुन सवाल लग से, इसलिए तो एग्जाम में गलती करता है. फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या बताया था ये बताओ. व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? इतना मार मारेंगे ना तुमको, पेज पलट के देख कॉपी में. अच्छा, इसलिए एग्जाम में गड़बड़ी करता है. जो टॉपिक चल रहा है उसको, हाँ, ऐसा ग्रुप और एटम और ग्रुप ऑफ एटम विल डिटरमाइन द ओवरऑल केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ गिवन कंपाउंड आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप. रट लिया इसको इंग्लिश में ढंग से. बस लास्ट वाले स्टेटमेंट से मतलब अगर रखें, वैसे ग्रुप्स जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन कराते हैं, तो डेफिनेटली CN का और NC का केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगा, तभी दोनों को अलग अलग मान के चल रहे हैं, उसको डिफरेंस आएगा ना उसमें. सर पर एक राइट लेफ्ट करने से फिजिकल प्रॉपर्टी में इतना चेंज हो जाएगा? बहुत चेंज हो जाता है भाई, बहुत चेंज हो जाता है. अगर नाइट्रोजन रहेगा, जैसे अभी तो नहीं बता सकते उस चीज को, बट अगर नाइट्रोजन रहा तो एक बेस के जैसा बिहेव कर सकता है, बट अगर CN रहा मतलब RCN, तो वहाँ पे बेस के जैसा बिहेव नहीं कर पाएगा. ये बहुत प्रॉब्लम वाला चीज हो जाता है उन लोगों के लिए, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखो.
ट्राई करके देखो, काफी भारी सवाल है लेकिन ट्राई करके देखो। आवाज शायद नहीं आ रहा सर। रोहित आवाज आ रहा है तुमको? हेलो रोहित। रोहित वैसे एक चीज है कि इस बार के एग्जाम में तुम लोगों का मार्क्स अच्छा है, मतलब जितने लोगों ने, कुछ लोगों ने एग्जाम्स नहीं दिया है, जिन लोगों का एग्जाम नहीं हुआ है उन लोगों से हम बात करने वाले वैसे आज, जिन लोगों ने एग्जाम दिया है उन लोगों का एग्जाम का मार्क्स काफी डिसेंट रहा है। थोड़ा नंबर और बढ़ाया जा सकता था बट ओवरऑल सबका अच्छा नंबर है, मतलब मेरे हिसाब से जैसा केमिस्ट्री का पेपर रखे थे हम उसके हिसाब से काफी अच्छा नंबर है। और अगले टॉपिक तो शायद से सिलेबस बन भी गया तुम लोगों का अगले टेस्ट का, क्यूमुलेटिव टेस्ट होगा और उसमें शुरू से जो भी पढ़ाई हुआ है, मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट, ये सारा का सारा पार्ट अभी तक जो भी पढ़ाई किया गया है ये सारा सिलेबस में रहेगा। तो अपना तैयारी करना शुरू कर दो, नेक्स्ट वीक नहीं उसके नेक्स्ट तारीख मतलब 13 तारीख को टेस्ट होगा। स्क्रीन ब्लैक हो गया है, नेट तुम्हारा नहीं चल रहा है सर, रीज्वाइन कर रहा हूं तो। ओके संचिता आंसर बताओ, कितने फंक्शनल ग्रुप्स है इसमें पूरे कंपाउंड में, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स? संचिता तो हम देखेंगे यस सर, कितने फंक्शनल ग्रुप्स है इस पूरे कंपाउंड में? अब अगर हम इसको सेवन से ज्यादा, सेवन है तो सेवन से ज्यादा, सेवन से ज्यादा, ये कैसा आंसर हुआ सर? वन से ज्यादा है, वाह। पहले तो फंक्शनल ग्रुप्स को मार्क करो तभी तो उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। yes. हेलो सर। हाँ बोलो सर। ऊपर में जो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है तो उसका जो कार्बन चेन निकला है वो कार्बन चेन है या फिर ऑक्सीजन से ज्वाइंट है? नहीं नहीं ऑक्सीजन से ज्वाइंट हो भी नहीं सकता, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? कितना बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन बताओ? दो। तो ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बना रखा है दो, ऑक्सीजन इस वाले ऑक्सीजन की बात कर रहे हो ना? एक सेकंड रुक जाओ, इस ऑक्सीजन की बात कर रहे हो ना यहाँ पे जो दे रखा? यस सर। तो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रखा है अभी? दो बना रखा है, तो तीसरा तो बना नहीं पाएगा। यस सर। तो एंड वाला पार्ट हम देखेंगे। कौन सा? समझ नहीं आया। तब बन गया सर वो, नहीं ये एन वाला पार्ट ये? yes. तो आएंगे, रुक जा, टेंशन क्यों ले रहा है। श्वेता बताओ कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप बताओ। सर
यस सर कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट साइड राइट साइड ऊपर नीचे ऐसा करके बताओ फर्स्ट वाला कीटोन होगा सबसे पहला ये हां सर चलो ठीक है कीटोन उसके बाद दिव्यांशु कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप बताओ आवाज नहीं आ रहा जोर से बोल सर उसके बाद कीटोन के पास कार्बोक्सिलिक एसिड लग रहा है यहां वाले पार्ट पे ना चलो ठीक है हम उसको केवल एसिड लिख रहे हैं ठीक है कार्बोक्सिलिक एसिड उसके बाद विवेक यस सर बताओ कोई तीसरा एनहाइड्राइड कहां पे सर डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ यस सर ये पूरा का पूरा ग्रुप एनहाइड्राइड है ये पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है इन जनरल ऐसा लिखा हुआ है तो आसान होता है लेकिन इन जनरल पहचानने में अगर कंडेंस्ड फॉर्म दे रखा बड़ा हेडेक होता है ठीक है इसलिए ध्यान रखना एनहाइड्राइड वाले पार्ट को पहचानने के बाद उसके बाद रितांबरा कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप बताओ सर अमाइन कहां पे सर वो एन वाला जो लिखा हुआ है अमाइन वाला पार्ट यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है लास्ट क्लास में बताया था नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन हो या नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन एक कार्बन चेन हो या नाइट्रोजन से दो कार्बन चेन हो पहले तो एक कार्बन चेन होगा ही लेकिन उसके अलावा ये दो हाइड्रोजन एक कार्बन चेन या दोनों कार्बन चेन ये पूरा का पूरा पार्ट में जैसे एक कार्बन है यहाँ पे उसके अलावा दो कार्बन चेन अटैच्ड है इसका मतलब इसको हम लोग आराम से इस पूरे यूनिट को हम लोग अमाइन आराम से मेंशन कर सकते हैं समझ आया रवि हाइड्रोजन का हाइड्रोजन जरूरी है क्या यहाँ हाइड्रोजन है क्या yes, मैंने नहीं लिखा तो लिखा ही नहीं था कॉपी में बहुत मार मारे गए कॉपी में ढंग से नोट किया करो उसके बाद संचिता नहीं रुक जाओ संचिता तो फंक्शनल ग्रुप का नंबर बता दी थी प्रियांशु एल्कोहल तुमको एल्कोहल ही दिखाई देता है लास्ट क्लास में तुम एल्कोहल ही बोला था फंक्शनल ग्रुप के नाम पे इरादा अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हारा उनको प्रीति इसके अलावा कोई और फंक्शनल ग्रुप सर इथर कहाँ पे सर अल्कोहल के बगल में ठीक है उसके अलावा कौन बच गया भाई आशीष यस सर कौन सा यस सर नो सर नहीं नाम बता असाइल हैलाइड कहाँ पे सर सबसे लास्ट ये भी है यहाँ वाले पार्ट में असाइल हैलाइड या इसी चीज को हम लोग एसिड हैलाइड भी बोल सकते हैं क्यों एसिड हैलाइड बोलते हैं क्योंकि अगर ढंग से देखेंगे चलो इस चीज को भी मेंशन करते हैं यहाँ पे भी असाइल हैलाइड है असाइल हैलाइड बोलो या एसिड हैलाइड बोलो दोनों एग्जैक्टली सेम टाइप का चीज होगा कोई दिक्कत नहीं मतलब सेम क्या वही चीज है नाम बस अलग है एसिड हैलाइड क्यों बोलते हैं उसका एक रीजन है इनफैक्ट ये टर्म ध्यान रखना जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब होता है सी डबल बॉन्ड ओ के साथ OH अगर हम लोग इस OH के जगह पे NH2 डाल दें तो अमाइड बनता है अगर यहाँ पे हैलोजन डाल दें तो एसिड हैलाइड बनता है अगर यहाँ पे इस तरह का यूनिट डाल दें सॉरी पहले OR ले लेते हैं तब इस केस में ईस्टर का फॉर्मेशन होता है और अगर हम लोग उसी के जगह पे C डबल बॉन्ड O के साथ O C डबल बॉन्ड O R डाल दें तो एनहाइड्राइड बनता है ये चारों के चारों पार्ट अमाइड असाइल हैलाइड ईस्टर वाला पार्ट और ये एनहाइड्राइड वाला पार्ट इन चारों को हम लोग एसिड डेरिवेटिव बोलते हैं इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है ये टर्म का क्या मतलब समझ में आ रहा है डेरिवेटिव कुछ भी दिमाग में आ रहा है डेरिवेटिव वर्ड से सर इनको मिला के एसिड बनता है इनको मिला के एसिड बनता है नहीं ना इससे एसिड एसिड कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है सर हाँ? डबल बॉन्ड से ओ जुड़ रहा है तो आयड ऐड हो जा रहा है डेरिवेटिव वर्ड से क्या समझ में आ रहा है डेरिवेटिव वर्ड का मतलब ये एसिड से डिराइव किया गया है एसिड से डिराइव किया गया है तो जैसे OH वाला जो पार्ट है ये OH वाले पार्ट के जगह पे NH2 डाले तो एसिड से डिराइव किया गया अगर हैलोजन डालते तो हैलोजन मतलब सॉरी एसिड से डिराइव किया हुआ अगर OR ग्रुप डालते जैसे 10th क्लास में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा होगा ये तो जिंदगी भर सबको याद रहता है एस्टरीफिकेशन रिएक्शन जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराते हैं तो ईस्टर बनता है तो एसिड से ईस्टर को डिराइव किया गया तो इसीलिए हम लोग एसिड डेरिवेटिव आराम से वर्ड यूज कर सकते हैं ये टर्म ध्यान रखना कहीं भी टर्म अगर डेरिवेटिव देगा तो डेरिवेटिव का मतलब क्या है इस कंपाउंड से डिराइव किया हुआ है ठीक है
तो ये एक पार्ट था जिसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप को पहचानने के लिए बोला करते हैं। अब इन फंक्शनल ग्रुप्स के आइडेंटिफिकेशन के बाद कंपाउंड साइक्लिक है, एसाइक्लिक है, नॉन साइक्लिक है, इन सब चीजों के बाद हम लोग फिर वापस से कुछ छोटे से टॉपिक्स, मतलब 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, इन सब चीजों का डिस्कशन करेंगे। और इन सब डिस्कशंस के बाद हम लोग का नोमेनक्लेचर का पार्ट आराम से शुरू कर सकते हैं। तो फटाफट कुछ छोटे हेडिंग्स हैं, उन सबको डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला हेडिंग जो हम लोगों को कंसिडर करना है, डिग्री ऑफ कार्बन। थोड़ा तेजी से नोट करना, डिग्री ऑफ कार्बन। ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अलग चीज है और डिग्री ऑफ कार्बन थोड़ा अलग चीज है, ठीक है। डिग्री ऑफ कार्बन वाले पार्ट में जैसे हम लोग प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, इस तरह की बात करते हैं, तो उसी में जो सबसे पहला डिग्री है उसको हम लोग 1 डिग्री कार्बन, या फिर इसी चीज को हम लोग प्राइमरी कार्बन भी बोला करते हैं। मतलब ये दोनों नाम यूज करते हैं, 1 डिग्री कार्बन और प्राइमरी कार्बन। तो इसका मतलब ये होगा, कार्बन अगर एक कार्बन से अटैच, मतलब केवल एक कार्बन से अटैच होना चाहिए, तो उसको 1 डिग्री कार्बन बोला करेंगे। पॉइंट मेंशन कर लो। If carbon is attached to only one carbon, अगर carbon केवल एक carbon से attached होगा तो वहां पे हम लोग 1 डिग्री carbon या फिर उसी को primary carbon बोल सकते हैं। तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, 2 डिग्री carbon या इसी चीज को हम लोग secondary carbon भी आराम से बोल सकते हैं। 2 डिग्री का क्या मतलब होना चाहिए, तो if carbon is attached टू टू कार्बन, मतलब अगर एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री कार्बन, अगर दो कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। सिमिलर टाइप से हम लोग आराम से 3 डिग्री कार्बन की बात कर सकते हैं, 3 डिग्री वाले पार्ट को हम लोग टर्शियरी कार्बन बोलेंगे, 3 डिग्री या फिर टर्शियरी कार्बन। इफ कार्बन इज अटैच टू 3 कार्बन और सुदीप एक चीज बताओ, हाय सुदीप आवाज आ रहा है? यस सर। इसको क्या बोलेंगे, इसका दूसरा क्या नाम होगा? 4 डिग्री कार्बन और नहीं पता सर। सर टेट्रा कार्बन? नहीं सर। क्वाड्रेटिक? क्वाड्रेटिक सर। क्वाट्री? और ट्राई करके देख लो सब, ट्राई करके देख लो। क्वार्टरनरी? क्वार्टरनरी कार्बन। क्वार्टरनरी? हां क्वार्टरनरी कार्बन बोलते हैं। वहां पे क्वाड्रेटिक नहीं चलता, क्वाड्रेटिक का मतलब पॉलीनोमियल का डिग्री 2 होता है वहां पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने लग गए लोग, 4 डिग्री या फिर क्वार्टरनरी कार्बन। इस केस में हम लोग आराम से कार्बन को 4 कार्बन से अटैच करके रखे होते हैं, ये थोड़ा कम ध्यान रखना। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन। और इसका एग्जांपल हम एक ही केस से डिस्कस कर ले रहे हैं, मान लो जैसे ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा, एक ही एग्जांपल में हम सारे के सारे पार्ट मेंशन कर दे रहे हैं। लेकिन अगर हम क्लोज करते हैं, हमारा जो ये सर्कल है वो सिर्फ क्लोज करते हैं, इसका चार्ज हो गया 0, ठीक है। अब इस पे जो चार्ज, और इस पे हम सारे कार्बन का नंबरिंग कर दे रहे हैं, टोटल हम लोगों के पास 9 कार्बन है। उस केस में हम लोगों के पास कार्बन नंबर 1, 2, 3 कौन से टाइप का कार्बन होगा, फिर 4, 5, 6 कौन से टाइप का कार्बन होगा, 7, 8, 9 कौन से टाइप का कार्बन होगा, ये कंसिडर करना है। सुदीप तुम ही बताएगा, 1 वाला पार्ट जो है कौन से टाइप का कार्बन है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या 4 डिग्री? 2 डिग्री। पक्का कार्बन नंबर 1? नहीं सर, 1 डिग्री। पक्का 1 डिग्री? 2 डिग्री। 1 डिग्री। कार्बन नंबर 1 केवल एक कार्बन से अटैच्ड है, अगर केवल एक कार्बन से अटैच्ड है इसका मतलब 1 डिग्री कार्बन बोल सकते हैं। उसके बाद प्रीति बताओ भाई, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 क्या होगा? सर 1 डिग्री। पक्का? यस सर। कार्बन नंबर 2 वाले पार्ट में 1 डिग्री। रोहित आवाज आ रहा है तुमको? रोहित से जब सवाल पूछे तो गायब हो जाता है। रोहित ओके, आशीष उसके आगे बताओ, कार्बन नंबर 3? सर 4 डिग्री कार्बन।
4 डिग्री या फिर क्वार्टरनरी कार्बन बोल सकते हैं. रितांबरा 4 नंबर. सो 1 डिग्री. उसके बाद संचिता 5 नंबर. सर 3 डिग्री. पक्का? यस सर. कार्बन नंबर 5. सर 2 डिग्री. सर सॉरी सर 2 डिग्री. कार्बन नंबर 5 यहां पे 2 डिग्री. उसके बाद देवांशु 6 नंबर. 6 नंबर 3 डिग्री. 3 डिग्री. उसके बाद कौन बच गया भाई? दिव्यांशु जो सवाल पूछ चुके हैं. सुहानी बताओ भाई. 7 नंबर. सो 7 नंबर 1 डिग्री. 1 डिग्री. रवि सो प्राइमरी से 7. कौन सा? सो 7 नंबर प्राइमरी. अरे 7 नंबर हो गया, 8 नंबर पे जा. सो 8 से सेकेंडरी. सेकेंडरी ठीक है. उसके बाद प्रियांशु. प्रियांशु का ऑडियो नहीं आ रहा. मेरा यहाँ स्क्रीन नहीं आ रहा. स्क्रीन नहीं आ रहा, चलो छोड़ो तुमको, आगे बढ़ते हैं. आशीष 9 नंबर. वन डिग्री कार्बन. ठीक है चलो. तो एक तो ये तुमको समझ में आ गया क्या? स्क्रीन नहीं बोलते हो गया, इधर आंसर आ गया. चलो ठीक है, यहाँ तक के पार्ट में मेरे हिसाब से किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए. एक छोटा सा सिक्स वाला फिर से बताइए ना. सिक्स नंबर वाला. अरे सिक्स नंबर में एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे एक एच ऐड कर लेना. ठीक है, वैसे उससे फर्क नहीं पड़ रहा पर ठीक है. सिक्स नंबर में जो कार्बन है वो कितने कार्बन से अटैच्ड है? जल्दी बोलो. चार कार्बन से अटैच्ड है. ऊपर एक कार्बन से अटैच्ड है, लेफ्ट साइड में एक कार्बन से अटैच्ड है, राइट साइड में एक कार्बन से अटैच्ड है. तो कितने कार्बन से अटैच्ड है? टोटल 3 कार्बन से अटैच्ड है. इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3 डिग्री. ठीक है, एक सवाल चीज, एक चीज का आंसर दो. जैसे CH4 जो है इसका डिग्री क्या होना चाहिए? 1 डिग्री. 0 डिग्री. 0 डिग्री होना चाहिए. वैसे 0 डिग्री जैसा कोई चीज नहीं होता तो इसका कोई डिग्री डिफाइन नहीं किया जाता वो ज्यादा प्रॉपरली. इस चीज को सुपर प्राइमरी कार्बन बोला जाता है. ठीक है, इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, सुपर प्राइमरी कार्बन. इसके लिए हम लोग कोई डिग्री ही डिफाइन नहीं करते क्योंकि CH4 में कोई कार्बन ही नहीं है. तो 0 डिग्री का क्या मतलब है? 0 डिग्री डिफाइन करने से अच्छा कि उसको डिफाइन ही ना करो. सुपर प्राइमरी कार्बन, नोट कर लो इस चीज को. फिर उसके बाद दो टर्म्स है, दो नहीं सॉरी 3 टर्म्स है. डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, उसके अलावा डिग्री ऑफ एल्कोहल और इसके अलावा डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड. ये तीनों सिमिलर टाइप के टर्म्स हैं, इन तीनों को हम लोग एक ही साथ डिफाइन किया करते हैं. हेडिंग डाल दो, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ एल्कोहल और अल्काइल हैलाइड. और इसमें पॉइंट नोट करना शुरू करो. बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है. Their degree is same as the degree of carbon to which the H, अगर हाइड्रोजन हुआ तो H वाले पार्ट को लेंगे, अगर अल्कोहल है तो इस केस में OH, और अगर हेलोजन है तो इस केस में हेलोजन ग्रुप. The H, OH और हेलोजन ग्रुप इज अटैच्ड विद. वैसे ही यहाँ पे फाइंड करेंगे इन ग्रुप इज अटैच्ड विद. हाइड्रोजन के केस में, अल्कोहल के केस में और अल्काइल हैलाइड के केस में डिग्री ऑफ कार्बन जो होगा, मतलब H जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन का डिग्री ही हम लोग उस डिग्री ऑफ हाइड्रोजन को के लिए अप्लीकेबल मानेंगे. जैसे अगर H 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है तो 1 डिग्री हाइड्रोजन, अगर H 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन, अगर H 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है तो क्या बोल सकते हैं? 3 डिग्री हाइड्रोजन. तो अगर H अगर 4 डिग्री कार्बन से अटैच्ड होगा तो क्या बोलेंगे?
4 डिग्री हाइड्रोजन। सोच समझ के जवाब दो। 4 डिग्री कार्बन का मतलब हो गया सुपर प्राइमरी हाइड्रोजन। नहीं, 4 डिग्री कार्बन का मतलब हो गया कि ये 4 कार्बन से अटैच्ड है, तो जब 4 कार्बन से अटैच्ड हो गया तो इसमें हाइड्रोजन कहाँ से आ पाएगा, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन जैसा कुछ भी नहीं होता। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन तक बोला जा सकता है। तो जैसे मान लो हम एक छोटा सा सवाल पूछ रहे, केवल तुम लोगों के डिग्री पहचानना है कि इसमें हाइड्रोजन का डिग्री क्या होगा, या फिर अल्कोहल का डिग्री क्या होगा, या फिर अल्काइल हैलाइड का डिग्री क्या होगा। तो जैसे अगर मान लो ऐसा सवाल दे रखा, और एक चीज का ध्यान रखना, हम जो रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे, ये रिप्रेजेंटेशन में हम हाइड्रोजन मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन बॉन्ड लाइन और कंडेंस्ड फॉर्म का बीच का पार्ट है, मतलब कंडेंस्ड फॉर्म का जैसा पार्ट होगा विदाउट हाइड्रोजन। लेकिन भूल के भी स्कूल में इस तरीके से काम मत करना, जैसे मान लो अगर हमको अल्कोहल रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसा लिख देंगे, हम कार्बन के हाइड्रोजन को मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि पहले वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होगा, दूसरे पे 1 होगा, तीसरे पे 2, चौथे पे 2, पांचवे पे 3। लेकिन स्कूल के एग्जाम में ऐसा भूल के गलती मत करना, क्योंकि स्कूल के एग्जाम में टीचर्स लोगों का लॉजिक होता है कि सर यहाँ हाइड्रोजन अगर नहीं है तो कुछ दूसरा हो गया, तो दूसरा अगर होगा तो यहाँ ग्रुप डाल रहे हैं दूसरा, तो दूसरा नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन स्कूल में बहुत फुर्सत होता है, स्कूल वाले से बहस भी नहीं कर सकते, सीधा यहाँ पे OH ग्रुप अगर दिया है तो ठीक है, साथ ही साथ कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन को मेंशन करके काम करना। लेकिन क्योंकि हम लोग के पास इतना टाइम नहीं होता कि हाइड्रोजन लिखते चले, तो हम लोग हाइड्रोजन मेंशन नहीं करेंगे। तो एक चीज बताओ, इस केस में फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, अल्कोहल का डिग्री क्या होना चाहिए? तो अल्कोहल का डिग्री हम लोग OH जिस कार्बन से अटैच्ड है उसके डिग्री से निकाल सकते हैं। क्या डिग्री होगा अल्कोहल का यहाँ पे? 2 डिग्री अल्कोहल। कार्बन जिस OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, ये 2 कार्बन से अटैच्ड है, मतलब टोटल 2 डिग्री कार्बन है। तो इस केस में 2 डिग्री अल्कोहल आराम से वर्ड यूज कर सकते हैं। अगर मान लो हम लोगों के पास ऐसा स्ट्रक्चर होता और यहाँ पे OH होता, तो OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो 3 कार्बन से अटैच्ड है, इसका मतलब कार्बन का डिग्री वाला पार्ट 3 डिग्री होता, तब यहाँ पे हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल वर्ड यूज कर सकते थे। कार्बन जितने कार्बन से अटैच्ड है, 4 बॉन्ड से मतलब नहीं है, कार्बन जितने कार्बन से अटैच्ड है केवल उस पार्टिकुलर पार्ट से मतलब है, उस कार्बन पे जो OH है उसी से हम लोग डिग्री डिसाइड करके काम किया करेंगे। समझ आया? तो अगर मान लो कि हम लोग ये कंपाउंड की बात करें, तो खुद से सोच के बताओ कि इसमें जो हम लोगों का फंक्शनल ग्रुप है अल्काइल हैलाइड, उसमें कौन सा डिग्री होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप तो अल्काइल हैलाइड हो गया, डिग्री क्या होगा? टू डिग्री। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो 2 कार्बन से अटैच्ड है, भले ही इधर 3 डिग्री कार्बन है, लेकिन हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड उसका डिग्री क्या है? तो 2। इसका मतलब 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड वर्ड आराम से यूज कर सकते हैं। और अगर मान लो एक ही क्वेश्चन में हम अलग अलग हाइड्रोजन को मेंशन करना शुरू करें, तो खुद से सोच के बताना कि इस केस में जो हाइड्रोजन मेंशन कर रहे हैं उन सब का डिग्री क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नोट कर लो। और ये चीज सीखने की चीज है, एक बार सीख लेंगे तो जिंदगी भर याद रहेगा, मतलब ये चीज हमारे कॉपी में रहे ना रहे, एक बार सीख लिया तो याद रहना ही रहना है। तो इसीलिए जिससे पूछेंगे वही बताएगा हाइड्रोजन में 1 वाला पार्ट क्या होगा, 2 वाला पार्ट क्या होगा, 3 वाला पार्ट क्या होगा, 4 वाला पार्ट क्या होगा, 5th और 6th क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नोट करो, फटाफट नोट करो। विवेक बताओ भाई, सबसे पहला। हेलो सर। सर 1 डिग्री कौन बोल रहा है? हाँ, इसका यूज क्या है? किसका यूज क्या है सर? इसका डिग्री हाइड्रोजन डिग्री कार्बन का यूज क्या है? ये अच्छा सवाल, एक्चुअल में अच्छा सवाल है। जैसे जब हम लोग आगे टॉपिक्स पढ़ना शुरू करेंगे तो उस केस में हर एक हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी जो है वो अलग अलग होता है। मतलब जैसे 10th क्लास में एक रिएक्शन पढ़ा था तुम लोगों ने, हैलोजनेशन, याद है कुछ? अरे 10th अभी पढ़ाया, नालायक लोग, शर्म करो, थोड़ा तो शर्म करो तुम लोग, 10th से पास भी नहीं, मेरे रिजल्ट भी नहीं आया, भूल गए सब। वहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वर्ड सुना था?
कार्बनेट्स कंपाउंड में, और वहां इस तरह का रिएक्शन था कि CH4 वाला पार्ट अगर Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में CH3Cl का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ HCl का फॉर्मेशन होता है. तो जैसे अगर मान लो ऐसा कंपाउंड दे रखा, मान लो तीन ही कार्बन लेके चलता है, तो अगर हम लोग इसका रिएक्शन Cl2 के साथ कराएंगे तो हो सकता है कि पहले वाले कार्बन पे क्लोरीन लगे, पॉसिबिलिटी है, और यहाँ का हाइड्रोजन हट जाए, या हो सकता है कि दूसरे कार्बन पे क्लोरीन लगे और यहाँ का हाइड्रोजन हट जाए. तो इन दोनों में जो प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब क्लोरीन वाला पार्ट जो दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा, पहले वाले पार्ट पे 1 डिग्री को रिप्लेस कर रहा, दूसरे वाले पार्ट के 2 डिग्री को रिप्लेस कर रहा, इन दोनों के रेट ऑफ रिएक्शन से वेरिएशन होता है. मतलब 1 डिग्री का रेट वाला पार्ट थोड़ा, मतलब 1 डिग्री के तरफ से जो प्रोडक्ट बनता है वो थोड़ा कम बनता है, 2 डिग्री के तरफ से मतलब ये प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा बनता है, उसको हम लोग डिग्री वाले पार्ट से एसोसिएट कर सकते हैं. मतलब उसमें कुछ कुछ टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स के स्टेबिलिटी को हम लोग उसके डिग्री से रिलेट कर पाते हैं, ताकि बोलना थोड़ा आसान हो जाए. इस चीज को हम लोग डिग्री वाले पार्ट से रिलेट करके चल रहे होते हैं. दूसरा, जैसे 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है. 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन वाले पार्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसी पार्टिकुलर टाइप के रिएक्शन के लिए. वहां पे इस चीज को हम लोग यूज किया करेंगे. ठीक है विवेक, पहला वाले का 1 डिग्री हाइड्रोजन. हाँ बोलो, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है 1 डिग्री 2 डिग्री? चलो ठीक है, जैसे मान लो तुमको सबसे अच्छा चीज क्या लगता है खाने में, बता. क्या सब्जी में? अच्छा सब्जी में क्या अच्छा लगता है सर? पनीर. पनीर सब्जी? जी सब्जी मतलब नॉर्मल जो मार्केट है. चलो ठीक है, पनीर सबसे अच्छा लगता है. सबको पनीर अच्छा लगेगा क्या? पॉसिबल है क्या? तो बहुत सारा सब्जी में से किसी को हो सकता है कद्दू अच्छा लगता हो, किसी को करेला भी अच्छा लगता हो, पॉसिबिलिटी है. ऑल्दो करेला का चांस कम है लेकिन अच्छा लग सकता है. तो रिएक्टिविटी कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है कि इसका रिएक्टिविटी हमेशा ज्यादा होगा. एक के लिए ज्यादा होगा या एक सर्टेन टाइप के रिएक्शन में ज्यादा होगा तो दूसरे टाइप के रिएक्शन में कम होगा, ये भी ऑप्शन हो सकता है. मेटल्स नॉन मेटल्स नहीं चल रहा कि मेटल्स की रिएक्टिविटी को हम लोग उसके इलेक्ट्रॉन के लूज करने की टेंडेंसी पे मेजर कर रहा है. यहाँ पे रिएक्टिविटी का कंसिडरेशन बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. इस पे भी डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का रिएक्शन कंसिडर कर रहा है, तो ये बोलना थोड़ा गलत स्टेटमेंट रहेगा. ठीक है चल दूसरे का आंसर तू ही बता. टू वाला हाइड्रोजन जो, उसका डिग्री क्या है? सर 1 डिग्री. 1 डिग्री. उसके बाद सुहानी. यस सर. बताओ बताओ फटाफट आंसर बताते जाओ. सर 3 डिग्री. 3 डिग्री वाला 3 डिग्री. 3 डिग्री हाइड्रोजन है. देवांशु 4 नंबर. 2 डिग्री. दिव्यांशु 5 नंबर. दिव्यांशु तो गायब हो गया. रितांबरा 5 नंबर. सर 2 डिग्री. 2 डिग्री. और संचिता 6 नंबर. सवा डिग्री. ओके चलो, तो मेरे हिसाब से ये सब टॉपिक सबको समझ में आ गया होगा. तो हम एक छोटा सा सवाल दे रहे हैं तुम लोगों को, ठीक है, और ये तुम्हारे लिए थोड़ा सोचने लायक सवाल होगा. फाइंड द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर. दिमाग लगाने वाला सवाल है. फाइंड द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ हाइड्रोकार्बन. और हाइड्रोकार्बन मेंशन कर दिया, मतलब केवल कार्बन एंड हाइड्रोजन होना चाहिए. फाइंड द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ हाइड्रोकार्बन हैविंग 2 डिग्री हाइड्रोजन ओनली. हैविंग 2 डिग्री हाइड्रोजन वाली. सोच के देखो सवाल. प्रोपाइन. प्रोपाइन ऐसा बोल रहा है, इसमें केवल 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा पक्का?
सर एक सेकंड सर साइक्लिक साइक्लिक सर साइक्लोप्रोपेन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन सर CH2 CH2 हाँ देवान देवांशु क्या बोल रहा है CH2 CH2 हाँ बस बस ये CH2 CH2 हो सकता है जी कभी कि CH3 CH3 डबल बॉन्ड रहे क्या ना वहाँ पे अच्छा डबल बॉन्ड तो 2 डिग्री कार्बन है लगता तो है अब ये 2 डिग्री लग रहा है तुमको नहीं नहीं सर तो इसका बॉन्ड लाइन से नहीं मतलब रहेगा कि कितना बॉन्ड बना रहे उसे नहीं नहीं हम बस बोले अरे तुम अपना अलग दिमाग लगा देते हैं हम डेफिनेशन क्या लिखा है कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है तुम बॉन्ड लाइन से अटैच कर दिया मजाक चल रहा है सर साइक्लिक कंपाउंड साइक्लोप्रोपेन C2H6 प्योर नया लेकर के आ गया स्ट्रक्चर C2H6 मतलब CH3CH3 ये 2 डिग्री कार्बन है जी अगर हम लोग साइक्लिक कंपाउंड लेके चले प्रीति का आंसर आया था और विवेक अशद विवेक बोला था ना आंसर सर ट्रायंगल में कार्बन रहेगा तब हाँ तो वही तो हम लिखे हैं यहाँ पे अगर यहाँ पे कार्बन को कंसिडर करे तो इस कार्बन का डिग्री क्या हो जाएगा 2 डिग्री यहाँ के कार्बन का डिग्री 2 डिग्री यहाँ के कार्बन का भी डिग्री 2 डिग्री तीनों के तीनों 2 डिग्री कार्बन है तो इससे जो अटैच्ड हाइड्रोजन होंगे ये भी 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री इसका मतलब आराम से साइक्लिक कंपाउंड लेके चल सकते हैं और इसका नाम होता है साइक्लोप्रोपेन जैसे अगर 3 कार्बन होता है तो प्रोपेन बोलते हैं तो अगर 3 कार्बन साइक्लिक मोड में रहेगा तो साइक्लोप्रोपेन वर्ड आराम से यूज करते हुए काम कर सकते हैं समझ आया यहाँ तक का पार्ट सबको और अगर यहाँ तक का पार्ट समझ में आ गया है तो आज तुम लोगों को होमवर्क मिल जाएगा वर्कशीट हम लास्ट क्लास में दे नहीं पाए थे क्योंकि वर्कशीट में कुछ पार्ट ऐसा था जो हम लोग नहीं पढ़ा पाए थे ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन वाला पार्ट ही एक टॉपिक था जो हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए थे तो इसीलिए हम वर्कशीट नहीं दे पाए थे तुम लोगों को बट आज तुम लोगों को वर्कशीट मिल जाएगा और उसका होमवर्क भी तुम लोगों को मिल जाएगा तब तक के लिए हम तुमको तुम्हारे बुकलेट से होमवर्क देते हैं एक मिनट थोड़ा लाइन पे रहो सर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है या फिर साइक्लो हाइड्रोकार्बन होता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कुछ क्वेश्चन तो लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था तुम लोगों को उसके बाद A2 एक्सरसाइज जो 1 है एक्सरसाइज 1 में A2 होमवर्क नोट कर दो अपने कॉपी में A2 के बाद A4 ये होमवर्क दिया था क्या तुम लोगों को A5 दिया था क्या उसके बाद B1 अभी छोड़ सकते हैं B1 अभी रहने तो या फिर एक काम करो B1 देख लेना B1 देखना उसका आंसर देख लेना और उसको आंसर देख करके अभी के लिए ध्यान रखने के ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग ठीक है कल B1 का आंसर देख के उस क्वेश्चन को जज करने की कोशिश करना फिर उसके बाद B2 B3 B4 तो B2 आप दिए B2 शायद दे चुके थे हमको जहां तक ध्यान है बट ठीक है B2 B3 B4 यहां तक के क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना उसके बाद नोमेनक्लेचर हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे एक एक करके सारे ऑर्डर्स चलते जाएंगे जैसे अगर स्क्रीन देख रहे होंगे तो उसमें दिख रहा होगा तुम लोगों को सबसे पहले हम लोग नोमेनक्लेचर में अल्केन का नोमेनक्लेचर करेंगे फिर अल्केन वाले पार्ट के बाद अल्कीन अल्काइन ये तुम्हारे 11th क्लास का सिलेबस है जबकि हम लोग पूरे नोमेनक्लेचर को एक साथ ही पढ़ा करते हैं इसलिए हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को तुम्हारे एनसीईआरटी के हिसाब से फॉलो नहीं कर सकते मतलब उससे पढ़ाना काफी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी में हर एक चैप्टर में एक एक नोमेनक्लेचर दे रखा है उस तरीके से नोमेनक्लेचर डील नहीं कर सकते तो पहले अल्केन वाला पार्ट फिर अल्केन के बाद अल्कीन एंड अल्काइन का नोमेनक्लेचर चलेगा फिर उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर फिर हम लोग फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे फंक्शनल ग्रुप में भी अलग अलग वेरिएशंस है उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस अलग अलग फॉर्मेट में चलते चले जाएंगे और उसके बाद हम लोग का नोमेनक्लेचर में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक अमाइड एनहाइड्राइड ईस्टर इन सब का नोमेनक्लेचर सबसे लास्ट में चलेगा फिर उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड हम लोग कहीं पे भी इंटर कर सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड तो वैसे भी कॉमन नेम याद रखना होता है फिर उसके बाद आइसोमरिज्म पर टॉपिक चलेगा उसके बाद एक्सरसाइज 1 के ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 उसके सब्जेक्टिव पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 फिर उसके बाद अच्छा नहीं क्वेश्चन नंबर 2 नहीं यार एक टॉपिक छोटा सा रह गया एक पार्ट और नोट कर लो ये छोटा सा एक पार्ट रह गया था नोट्स कॉपी में नोट कर लो डिग्री ऑफ अमाइन एक छोटा सा टॉपिक छूट गया डिग्री ऑफ अमाइन ये थोड़ा अलग चीज होता है अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो हम बोल सकते हैं कि और इस पे पॉइंट नोट कर लेना
It is equal to the number of carbon chain. Number of carbon chain directly attached to nitrogen. डिग्री ऑफ एल्कोहल अलग चीज है, डिग्री ऑफ अमाइन अलग चीज है. अमाइन का डिग्री जब डिफाइन करते हैं तो नाइट्रोजन कितने कार्बन चेन से अटैच्ड है इससे हम लोग डिग्री निकाला करते हैं, ना कि हम लोग किस कार्बन से नाइट्रोजन अटैच्ड है इससे. जैसे एक चीज ध्यान होगा, जैसे अगर हम लोग नाइट्रोजन वाले पार्ट पे दो हाइड्रोजन रखे तो दो हाइड्रोजन का मतलब क्या था कि यहाँ वाले पार्ट में एक कार्बन चेन रहा होगा आर के साथ एनएच टू. इस चीज में नाइट्रोजन केवल एक कार्बन चेन से अटैच्ड है. अगर एक कार्बन चेन से अटैच्ड है तो नाम हम लोग वन डिग्री अमाइन बोला करेंगे. अगर मान लो नाइट्रोजन वाले पार्ट से एक हाइड्रोजन के अलावा एक कार्बन चेन अटैच्ड हो, इसका मतलब बेसिकली आर के साथ एन एच और इसके ऊपर एक और कार्बन चेन है, तो नाइट्रोजन के साथ दो कार्बन चेन अटैच्ड है, टू डिग्री अमाइन नाम मेंशन करेंगे. और अगर नाइट्रोजन वाले पार्ट के साथ दो कार्बन चेन प्रेजेंट होगा, मतलब ओवरऑल नाइट्रोजन वाले पार्ट पे तीन कार्बन चेन अटैच्ड होंगे, तो यहाँ पे हम लोग थ्री डिग्री अमाइन वर्ड यूज किया करेंगे. तो अल्कोहल का डिग्री अलग चीज है और अमाइन वाले पार्ट पे डिग्री अलग चीज है, क्योंकि अमाइन में नाइट्रोजन से जितने कार्बन चेन अटैच्ड होंगे हम लोग उस पार्टिकुलर पार्ट के हिसाब से अपना आंसर दिया करेंगे. वन डिग्री, टू डिग्री, थ्री डिग्री अमाइन, ये एक पार्ट नोट कर लेना जो उस क्वेश्चन में दे रखा था सब्जेक्टिव वाले पार्ट में. और इसको नोट करने के बाद अभी के लिए हम पहले क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं, किसी का छूट जाएगा तो पीडीएफ से नोट डाउन कर लेना इस चीज को. क्वेश्चन में सब्जेक्टिव वाले पार्ट में एक्सरसाइज वन के सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू ट्राई कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री, उसके बाद इसमें कुछ और क्वेश्चन होमवर्क दिया था शायद से लास्ट क्लास में, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाला पार्ट, वो तुम लोग को होमवर्क दे दिया था, तो मेरे हिसाब से उसमें तो कोई पार्ट नहीं होना चाहिए. और बाकी सारे क्वेश्चन अभी तो हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते. चलो ठीक है, इतने क्वेश्चन ट्राई कर लेना और आज एक वर्कशीट तुम लोग को मिल जाएगा, उस वर्कशीट वाले पार्ट का हम लोग डिस्कशन होमवर्क के लिए दे देंगे. और जैसे ही वर्कशीट होमवर्क मिलेगा तुम्हारे ग्रुप में एक मैसेज आ जाएगा कि इस वर्कशीट को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं. और नेक्स्ट क्लास हम लोग नोमेनक्लेचर शुरू करेंगे, तो उसमें वर्कशीट तो तुमको मिलता जाएगा टॉपिक बाय टॉपिक, हर एक पार्ट में क्वेश्चन जो भी रिलेटेड होंगे सारे क्वेश्चन को हम लोग स्क्रीन पर रखा भी करेंगे और दे भी दिया करेंगे. उन क्वेश्चन को रेगुलरली सॉल्व करते चले जाना है क्लास के प्रैक्टिस के अलावा. हाँ, ये है नोमेनक्लेचर ढंग से प्रैक्टिस करना है. एक बार अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो दो सारी चीजें याद आएंगी और हर जगह पे यूज आएगा. थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज को. अगर किसी को कोई डाउट है आज के लेक्चर में अभी तक तो आराम से पूछ सकते हैं, पर अगर डाउट नहीं है तो क्लास एंड करते हैं और मोल कॉन्सेप्ट का बुकलेट सॉल्व करते रहो तुम लोग. हेलो सर. हाँ बोलो सर. वो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और फंक्शनल ग्रुप का सर डाउट क्लास ले सकते हैं क्या? हाँ ठीक है, कल हम सुबह फ्री रहेंगे, डाउट क्लास आराम से लगा सकते हैं. अच्छा हाँ, तुम्हारे बैच में और भी कुछ लोगों का डाउट क्लास लगाना बाकी था, जैसे संचिता का, रितांबरा का, तुम लोग का मोल कॉन्सेप्ट का डाउट क्लास लगाना बाकी था. तुम लोग का मोल कॉन्सेप्ट का मोल कॉन्सेप्ट मुझे भी चाहिए. ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट मुझे भी चाहिए था. हाँ हाँ, मोल कॉन्सेप्ट कुछ लोगों को पढ़ना है, कुछ लोगों ने अभी जस्ट रिसेंटली ज्वाइन किया, उन लोगों को पढ़ाने का काम हम लोग कल से शुरू कर देंगे. तुम लोग का फिजिक्स और मैथ शायद कवर हो गया है, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाना शुरू करेंगे. और बाकी जिन लोगों को छोटा छोटा डाउट क्लास चाहिए, मतलब जैसे सुहानी को डाउट क्लास चाहिए कल के टॉपिक का, या फिर रवि को डाउट क्लास चाहिए कुछ पर्टिकुलर टॉपिक का, कल मुझे भी एक टॉपिक में डाउट क्लास चाहिए. हाँ ठीक है, तो तुम लोग का डाउट क्लास हम अरेंज कराना शुरू कर देते हैं कल से. हम भी अब खाली हो गए, सुबह के टाइम पे आराम से डाउट क्लास ले सकते हैं हम लोग. ठीक है, तो जो जैसा भी होगा व्हाट्सएप वाली सॉरी ये टेलीग्राम वाले नंबर पे एक मैसेज ड्रॉप कर दो तुम लोग कि सर हमको इस चीज का डाउट क्लास चाहिए, वो तुम्हारा डाउट क्लास का टाइम अरेंज करके तुम लोग को डाउट क्लास दे दिया जाएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, आज के लिए बाय.